हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कोरियन इंस्टेंट फूड। ये सारे तैयार फूड हैं, ठीक है। घर में जाएं, पानी को गर्म करें और उसमें डालें और तैयार। कोई कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ इसमें, कटिंग वगैरह, वेजिटेबल्स, अगर गोश्त का है तो वो सब कुछ उसमें रेडी है। हर चीज़ ना, सॉसेस वगैरह जो भी इसमें डालना है, सब कुछ, हर चीज़ उसमें तैयार होती है। तो अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ सी फूड के हैं, कुछ चिकन के हैं, कुछ वेजिटेबल्स के हैं, कुछ गोश्त के हैं, सब अलग अलग हैं। तो जो आपको चाहिए, अक्सर जो जॉब करते हैं यहाँ पे, जिनके पास टाइम नहीं होता, वो ये यूज़ करते हैं कि ले गए घर पे, रखा, चलो कभी नहीं पकाने को दिल चाह रहा तो जल्दी से ये खाना रेडी है तो बस थोड़ी सी देर में पक जाएगा, तो उसके बाद आप उसे खा सकते हो। काफ़ी वैरायटी है इनके पास। टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा हम अगर हम पका के खाएं, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी होती है चीज़ों की। हमने भी एक दो दफ़ा ट्राई किया। बच्चे जो हमारे हैं ना, वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो एक दो दफ़ा हम ले के गए हैं, ट्राई किया है। कि जब तक इंसान ट्राई नहीं करता, पता नहीं होता कि कैसा टेस्ट है इसका, कैसी क्वालिटी है। कुछ में नूडल्स वगैरह भी हैं। ये है गोश्त है इसमें, और है वेजिटेबल्स। ये चिकन का है, ये भी गोश्त है, ये भी गोश्त और वेजिटेबल्स हैं। कुछ में जो इनकी किमची है, किमची के साथ, अच्छा फिश के भी हैं, ये फ़िश के साथ हैं जो नीचे है ना, ये फ़िश के बने हुए हैं। ये फिर गोश्त आ गया, ये वेजिटेबल्स हैं गोश्त के साथ, ये गोश्त, नूडल्स, एग। पैकेजिंग की भी, इनकी पैकेजिंग की भी बहुत अच्छी की हुई है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज इंस्टेंट फूड पे, कोरियन। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।